आज भारत देश में सैकड़ों लोगों को सच पता चल चुका है, कितनी बड़ी चीज और जबरदस्त चीज अचीव कर ली गई है कि इस इंसान को 20 साल लगे अपने ये झूठ लोगों तक पहुंचाने के लिए, सबको इस झूठ में यकीन दिलाने के लिए। हाँ जी, 20 सालों से लगा हुआ ये, और रेड ने और उनके सारे सपोर्टर्स ने केवल एक साल के अंदर अंदर सब तक ये सच पहुंचाया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सारी सच्चाई पता है कि हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को अपने हर भाषण में बोलना पड़ता है कि अफवाह फैलाने वालों पर बिल्कुल यकीन ना करें। हर भाषण में उन्हें ब्लैक का ये झूठ दोहराना पड़ता है। आज की तारीख में हजारों हेल्थ वर्कर्स हैं, हजारों आर्मी मैन, पुलिस वाले और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो बिल्कुल ना कर चुके हैं अपने शरीर में किसी भी तरह का जहर डालने से। 25 जुलाई 2020, इस तारीख को रेड ने पहली बार कवर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक एक डिटेल सारा खुलासा कर दिया था। तब से लेकर अब तक रेड, ग्लोबी न्यूज, तरुण कोठारी जी, मानस अमर जी, तान्या जी, टीम लाइफस्टाइल और ऐसे अनेकों चैनल सबको सच बताते जा रहे हैं। हो सकता है कि टीवी देखकर आप में से कुछ लोगों का यकीन डगमगा गया हो, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक एक सच्चाई का हम खुलासा करेंगे कि ये जो मौतें हो रही है, नहीं दिखाई जा रही है, उसका असली कारण क्या है। एक एक पॉइंट हम बहुत ही स्पष्ट भाषा में आपको बताएंगे विद एविडेंस अपनी अगली वीडियो में। बस अभी आपको ये याद रखना है कि रेड ने ढेरों किताबें लिखी है एक एक रेफरेंस प्रूफ के साथ कि जो मास्क है वो सही है या गलत, उसे पहनने से क्या अंजाम हो सकता है, मौतों का असली दर क्या है, मोर्टैलिटी रेट क्या है, आर नॉट फैक्टर यानी कि ट्रांसमिशन रेट क्या है कवर का, और एक तरफ टीबी का आर नॉट फैक्टर क्या है, आरटीपीसीआर टेस्ट का खुलासा। हमने पूरी वीडियो बना रखी है आपको एमसीसीडी की एक डिटेल बताते हुए, टीके के ट्रायल्स कैसे किए जाते हैं और असल में क्या हो रहा है, WHO के सॉलिडारिटी ट्रायल्स क्या है, फेविप्रविर दवाई के पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स का रिजल्ट समझाया जो कि 13 सालों से जापान में बैन है और इंडिया में लोग रो रहे हैं इस दवाई को पाने के लिए, लेटेस्ट कि रेमडेसिविर के क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या रिजल्ट आया, एक एक चीज सब कुछ समझा रखा है। जैसे आप लोगों को सारा सच पता है, वैसे अब पूरे भारत देश को समझाने का वक्त आ चुका है। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि कहीं ये सब सच तो नहीं, हमारे भारत देश के जो लोग ऐसे अस्पतालों के बाहर बस ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए किसी तरह बस ये अस्पताल वाले हमारे पेशेंट को अंदर ले ले और इलाज शुरू कर दे, और इसी इंतज़ार में दम तोड़ दो अपनी सालों की सेविंग्स या फिर अपने को पूरा कर्ज में डुबाकर अपने परिवार वालों के लिए इस दवाई के लिए रो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रो रहे हैं, उन सबको सच बताने का वक्त आ चुका है। रेड की 22 अप्रैल की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आई है, उसे देखना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, आप ज़रूर देखो जाके। पूरे इंडिया में इतने कवर के मरीजों को किसी डॉक्टर ने नहीं देखा होगा जितना अकेले रेड ने देखा है, जितना उन्होंने स्टडी किया है। वो फ्री में सबका इलाज कर रहे हैं। ये रहा उनकी नाइस टीम का नंबर, सब तक पहुँचाओ ये इन्फॉर्मेशन, कुछ भी करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पर डालो या यूट्यूब पर अपने चैनल पर डालो, लेकिन अब और देरी मत करो। रेड ने पूरी डाइट और प्रोन वेंटिलेशन की टेक्निक बहुत ही डिटेल में सरल भाषा में हजारों बार समझा रखी है, उसे समझो। रेड की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें सब कुछ एक ही वीडियो में कंपाइल्ड है, आप हर हाल में देखें, और हम नेक्स्ट वीडियो में सारा खुलासा करने ही वाले हैं। और दोस्तों मत भूलना कि हमारे किसान भाई अभी भी इधर बैठे हैं, देखो उनकी तरफ, ऑल हेल्दी। भूलो मत ये चीज़, पूरा MCCD, क्लिनिकल ट्रायल्स, डाइट अपने अपने दिमागों में छाप लो, इंटरनलाइज कर लो। किसी भी डर के व्यापार में मत फंस जाना, बाहर निकलो इस फियर से और जागो। आप लोग सच सब तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन करेगा ये काम, अभी ही सही वक्त है। सबको बताते रहो, जब तक सामने वाले को सच समझ ना आ जाए तब तक बताते रहो, बस अपना कर्तव्य पूरा करते रहना है हमें। और सही बोला इन्होंने, सूरज बस अब उदय होने को है।